नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर के विवेकानंद इंटर कॉलेज दरबाड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई वैद्युत इकाई ने अपने 7 दिवसीय विशेष शिविर का प्रथम दिवस स्वच्छता एवं श्रमदान दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि दरबाड़ा के ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह, प्रबंधक पीयूष कुमार चौहान, प्रधानाचार्य टीकम सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि ने स्वयं सेवकों को शिविर के बारे में बताते हुए कहा कि स्वयं सेवक समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। विशिष्ट अतिथि व प्रधानाचार्य ने प्रथम इकाई के सभी स्वयं सेवकों को उनके चयनित गांव मिर्जापुर, वैद्युत इकाई के सभी स्वयं सेवकों को उनके चयनित गांव हरपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी स्वयं सेवकों ने मिलकर 7-7 बच्चों की टोली बनाकर गाँव मिर्जापुर व हरपुर के प्राथमिक विद्यालय की सफाई की। गाँव के प्राथमिक विद्यालय के समीप बने एक प्राचीन शिव मंदिर की सफाई की एवं मंदिर की धुलाई कर वहां खड़े नल के पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण किया। गांव में पहुंचकर गलियों सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई की, पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण किया। स्थानों पर मिले कूड़े करकट को साफ कर उचित स्थान पर उठाकर एक ढेर बनाया। गांव के बाहर बने तालाब के किनारों पर मिट्टी डालकर श्रमदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक करना रहा। स्वयं सेवकों ने गाँव वासियों को स्वच्छता हेतु प्रेरित किया। सभी बच्चों ने गाँव वासियों को गंदगी से होने वाली बीमारियों के विषय में बताया और कहा कि इन सब से बचने के लिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। इस दौरान प्रधानाचार्य टीकम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, आज राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम दिवस के अवसर पर प्रथम इकाई एवं द्वितीय इकाई में स्वच्छता एवं श्रमदान के रूप में मनाया गया, जिसमें हमने ग्राम हरपुर में जाकर के मंदिर पर और विद्यालय में सफाई का अभियान चलाया। इसके पश्चात जो स्वयं सेवक हैं उन्होंने ग्राम मिर्जापुर में जाकर के मंदिर और अन्य सड़कों की नालियों की सफाई की और ग्रामीणों से जाकर संपर्क किया और सभी को स्वच्छता के प्रति महत्व के संबंध में बताया। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।